राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस की बधाई दी, साथ ही कहा कि प्रेम एवं सद्भावना से सभी प्रदेशवासी इसे त्यौहार के रूप में मनाएं। राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति पर हमें गर्व होना चाहिए। प्रदेश के युवाओं को राजस्थान के गौरवान्वित इतिहास से प्रेरणा लेनी चाहिए। राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने को लेकर पायलट ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर यह दी जाएगी, राजस्थानी भाषा को मान्यता दी जाएगी। पहले भी कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा था, लेकिन मोदी सरकार ने पारित नहीं किया। मैं राजस्थान दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं और देश में राजस्थान ने अपनी एक अलग जगह बनाई है और किसी भी राज्य में जो प्रकृति है उसके साथ साथ जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, वहाँ के जो लोग हैं, संस्कृति है, मेहनतकश हमारे राजस्थान के निवासी हैं, उनकी वजह से हमारा राज्य आज इतनी मजबूती और इतने एक शिखर पर पहुंचा है। इस दिवस पर हम सभी लोग प्रण लें कि इस प्रदेश को और विकसित बनाएंगे, एक अच्छा माहौल यहाँ कायम रहे और राजस्थान पर हम सब लोगों को गर्व है और नौजवान पीढ़ी को अपने इतिहास से, अपने अतीत से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन आज इस दिवस पर हम इसको धूमधाम। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।